चला दे। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زد علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني الرشد واعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد इंशाल्लाह आज जो है हम कुछ और मज़ीद एक्सरसाइजेस करेंगे और उसके बाद जो है आज जो है नया सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देख रहे हैं हम यहाँ पर अल्फाज लिखे हुए हैं, कुछ अल्फाज यहाँ पर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज रखना है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक लफ्ज़ है जो है एक जमीला अलजमीला, एक लफ्ज़ है अलजमीला, एक लफ्ज़ है अलमकसूरा, एक लफ्ज़ है अलजुदुद, एक लफ्ज़ है अलमुदर्रिस, एक लफ्ज़ है मफ्तूहतुन और एक लफ्ज़ है अलजदीदा, है ना। ये छः अल्फाज छः जुमलों के अंदर इनको इस्तेमाल करना है। मसलन अब यहाँ पर नंबर एक है, क्या जुमला लिखा हुआ यहाँ पर, ऐनल कुतुब, ऐनल कुतुब। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या रखना चाहिए लफ्ज़, फिर अलकुतुब के बाद ऐन अलकुतुब के बाद कौन सा लफ्ज़ मुनासिब होगा यहाँ पर इन में से, कौन सा लफ्ज़ मुनासिब हो सकता है, और कोई साथी बताए। अलजमीला रखना चाहिए या अलमकसूरा या अलजुदू या अलमुदर्रिस या मफ्तूहा या अलजदीदा, जदीदा, अलजदीदा लफ्ज़ मुनासिब है यहाँ का, ठीक है, वरना दूसरे अल्फाज फिट नहीं होंगे यहाँ पर। अगर आप अलजमीला रखें तो ऐन अलकुतुब अलजमीला हो जाएगा वो, है ना। ऐन अलकुतुब अलजदीदा, ऐन अलकुतुब जदीदा, वो गलत जुमला हो जाएगा। अलकुतुब तो अलकुतुब है यहाँ पर, कुतुब होना चाहिए फिर, अलिफ लाम है यहाँ पर, है ना, तो अलिफ लाम को हटाना पड़ेगा तब हो जाएगा वो ऐन कुतुबुल मुदर्रिस, ठीक है। तो जी जुदुद भी रख सकते, जुदुद आमतौर पर इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। और हमने उस दिन बताया था ना इंसानी जमा और गैर इंसानी जमा, तो अलजुदुद का इस्तेमाल ज़्यादातर इंसानी जमा के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, शय है, उसके लिए फिर इस टाइप की जो है मौनस इस्तेमाल करते हैं। तो और ये जदीदा जो है जमा, ये है इसकी सिफत है ना कुतुब की जमा, कुतुब चूँकि जमा है तो इसके बारे में जो बात बता रहे हैं वो मौनस के हिसाब से बताएँगे, है ना। तो अलजदीदा कहेंगे, अलजुदुद नहीं कहेंगे बल्कि अलजदीदा कहेंगे, ठीक है। तो ऐन अलकुतुबुल जदीदा, ऐन अलकुतुबुल जदीदा कहेंगे, नई किताबें किधर हैं। ऐन अलकुतुबुल जुदुद नहीं कहेंगे, जुदुद का लफ्ज़ इस्तेमाल जो होगा इंसानों के साथ इस्तेमाल होगा, है ना, ये बात जहन में रखना चाहिए। तो ऐन अलकुतुबुल जदीदतु, नई किताबें किधर हैं। उसके बाद लेमन हादिहिल बुयूत, तो इनमें से कौन सा, लेमन हादिहिल बुयूत, तो अलजमीला रखना चाहिए या अलमकसूरा या जुमला गलत हो जाएगा अगर आप मुदर्रिस रखेंगे तो, अलमुदर्रिस रखेंगे तो जुमला बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। लेमन हादिहिल बुयूत अलजमील आएगा यहाँ पर, अलमुदर्रिस नहीं आएगा, जुमला बिल्कुल गलत हो जाएगा वो, ठीक है। लेमन हादिहिल बुयूत अलजमीला, अगर आप अलजमीला रखें तो फिर आप तर्जुमा कीजिए उसका क्या बनेगा तर्जुमा, लेमन हादिहिल बुयूत अलजमीला, हाँ ये सब खूबसूरत घर किसके हैं, लेमन हादिहिल बुयूत अलजमीला। हमने बताया ना कि जब कोई लफ्ज़ प्लूरल आ रहा है तो वो मौनस होता है, जब कोई लफ्ज़ प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या होता है, मौनस। इसीलिए अलबुयूत जो लफ्ज़ है वो मौन प्लूरल इस्तेमाल हुआ है ना जमा, तो जी तो उसकी जो सिफत बयान करेंगे हम मौनस के तौर पर, तो हम कहेंगे अलजमीलतु, क्या कहेंगे हम, अलजमीलतु, अलजमीलो भी नहीं कहेंगे। और अलमुदर्रिस इस्तेमाल करेंगे तो जुमला बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, यानी मीनिंगलेस हो जाएगा वो तो जुमला। ऐन अलकुत लेमन हादिहिल बुयूत अलमुदर्रिस, तो इस जुमले का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो लेमन हादिहिल बुयूत अलजमीला, लेमन हादिहिल बुयूत अलजमीला, ये खूबसूरत घर किसके हैं। उसके बाद नंबर तीन का जुमला है अबवाबुस सैयारती, अबवाबुस सैयारती, हाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए यहाँ पर। अब
تو کیا کہیں گے ہم؟ ابواب السیارت مفتوحۃ. تو اس کا مفہوم کیا ہوگا پھر؟ کیا دروازے، کیا گاڑی کے دروازے کھلے ہوئے؟ دیکھیں ابواب جمع ہے نا، ابواب کیا ہے؟ جمع ہے، اس لیے مفتوحۃ مؤنث استعمال کر رہے ہیں ہم اس کو، ادروائز مفتوح استعمال ہوتا مذکر، تو یا تو مذکر استعمال ہوگا یا مؤنث استعمال ہوگا، ہے نا؟ تو مفتوح یا مفتوحۃ. تو لفظ لفظ ابواب جو ہے جمع ہے نا بابن کی، تو لفظ ابواب جمع ہونے کی وجہ سے یہ اس کے بارے میں جو صفت استعمال کریں گے وہ ہم، یا خبر استعمال کریں گے وہ مؤنث ہوگی. تو ابواب السیارتی مفتوحۃ، ابواب السیارتی مفتوحۃ. چلنے دے اس کو، مشکل نہیں. ابواب السیارتی مفتوحۃ، ابواب السیارتی مفتوحۃ، کیا گاڑی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد کا جو جملہ ہے یہ ہے اینا قلم، اینا قلم. اب یہ دیکھیں کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے اس کے آگے، یہاں پر یہ استعمال کرنا چاہیے اینا قلم المدرس، اینا قلم المدرس. کیا مطلب ہوگا مدرس؟